दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक रिच क्लास फैमिली और एक मिडिल क्लास फैमिली, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा, लोअर मिडिल क्लास जिसमें हम सब आते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक बच्चे के रिगार्डिंग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं। आई एम श्योर कि जो चीज मैंने फील करी है वो बात मैं आपके सामने रखूंगा, तो क्या प्रतिक्रियाएं होंगी आप सबकी मैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन करिए, इससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों शुरुआत में इससे करना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास का लड़का और एक रिच क्लास का लड़का, जब मैं मिडिल क्लास कहता हूं तो उसमें मैं भी आता हूं कि यार होता क्या ना कि एक मिडिल क्लास सोचता रहा भाई छोड़ यार हमारे बापू तो प्यार ही नहीं करते हैं। अरे कहां प्यार, दिन भर ये चैं 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 चैं, दिमाग की दही हो जाती है भाई। और रिच क्लास वाला बहुत सी बातें हैं उसके रिगार्डिंग, बहुत से सपने वो रखे होते हैं उसने, मेरी ये हॉबी, मेरे फादर ने ये किया, वहां ले गए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये होता है, ये चीज मैंने देखी है। पर बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ अलग हो रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है, सारा कारनामा ना भाई ये फ्लैटों का है। अब दिक्कत क्या है कि उनके पास क्या होता है, 5 से 6 BHK वाला रूम है, एक में उनके पापा का, एक में मम्मी का, एक में लड़के का, एक में लड़की का, एक में पापा मम्मी के साथ का, एक में गेस्ट का, फिर एक में ड्राइंग रूम, भाई अलग अलग रूम होते हैं, सब अपने अपने रूम में। पिताजी सुबह निकल गए, बेटा 12 बजे उठ रहा है, मम्मी को खाना बनाना नहीं है तो मम्मी अपने टाइम से उठ जाएंगी जब भी जाना होगा उन्हें। 3-4 दिन ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन पापा और बेटे का सामना हुआ तो पापा ने कहा बेटा कैसे हो, फाइन पापा, गुड, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, बहुत बढ़िया, गुड, प्राउड ऑफ यू, कैसी चल रही है तुम्हारी ट्यूशन, बहुत बढ़िया, गुड, आई टॉक टू टीचर, मुझे पता है तुम अच्छा कर रहे हो। ऐसी बातें वो करके निकल लेते हैं, बेटा भी खुश हो गया, अरे भाई तारीफ अपने रूम में, क्योंकि मिलना होता नहीं है, 3-4 दिन में एक बार मिले, तारीफें हुई और अपने अपने रूम में अपने अपने काम में बिजी। और भैया हमारा क्या है, हमारे यहाँ 1 BHK का रूम, भैया अंदर सोएंगे सारी लेडीजें और चबूतरे पे हम और पिताजी और 2-3 लोग और साथ में सो लेते हैं। हमारा क्या है, अरे इस लौंडे ने कभी बाथरूम का बल्ब तो बंद करना ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई इसके बस की है नहीं। और जब वो ये बोल रहे होते हैं तो गलती से हम वहीं खड़े होते हैं, जाए कहाँ, एक ही रूम है, अरे जरा चाबी लेके शर्मा जी के यहाँ से अपनी गाड़ी थोड़ी आगे कर दियो, चैं चैं करते रहते हैं वो। हमारा काम इन्हीं सब चीजों में गुजर जाता है और हम सोचते हैं यार प्यार ही नहीं है हमारे बीच में, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है, वहां जो दिखता है वो होता नहीं है। मीन्स कि वहां प्यार दिखता है, होता बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे होता बहुत ज्यादा है, दिखता बहुत कम है, और ये रियलिटी है, इससे आप नकार नहीं सकते। भैया उनका भी लड़का है, उन्होंने भी बड़े कॉलेजेस में पढ़ा है, बहुत सी फीसें दी हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा और कर भी लेते हैं, और करने के बाद जब कोई सक्सेस की स्पीच देनी होती है तो वो बहुत गर्व से कहता है कि मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब ये वर्ड बोल रहा होता है तो उसके माइंड में वो 3 से 4 दिन निकलने वाला फ्लैट की बातें याद आती है, जब पिताजी ने कहा होता है बेटा आई प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है तुम पे, तुम जरूर कुछ करोगे बड़े बनके, तब उसके माइंड में वो सब बातें याद आती हैं और वो बड़ी बड़ी स्पीच में दे जाता है, बड़े कैमरे में रिकॉर्ड होता है और बहुत सी टेलीकास्ट होती है उस चीज की, और हमसे सुन के बहुत मोटिवेट होते हैं। लेकिन एक गरीब का बच्चा भाई, उसने भी पढ़ाई करी, कुछ ना कुछ तो बनेगा, जब वो बन जाता है और उसे भी कोई स्पीच देनी होती है तो उसके माइंड में 2-3 बातें आती हैं, अरे यार 4 दिन से बोल रहे हैं भाई बिजली का बिल भर दे, अरे यार फिर भूल गया, अब वो क्या तारीफ करे वहां पे, उसके माइंड में चल रहा है यार कल ही थप्पड़ खाए थे 2, अब वो क्या बोले उस टाइम, और ये रियलिटी है। इसीलिए गरीब का बच्चा ज्यादा स्पीच दे नहीं पाता, मन में उसकी बहुत सी बातें होंगी कि ये कह दूंगा वो कह दूंगा, लेकिन फिर सोचता हो गया फिर वही घर जाना, फिर वही बाइक आगे खींचना, फिर वही बाथरूम की बत्ती जलती छोड़ देना, फिर वही खाने की प्लेट में थोड़ा सा रोटी छोड़ देना, और फिर वही घर वालों का चिल्लाना, और फिर वही चिल्लाने पे ये रिप्लाई करना कि अबे घड़ी छोड़ दूंगा, अबे आऊंगा ही नहीं दोबारा, ये सब सोच के वो बड़ी बड़ी स्पीच नहीं दे पाता। लेकिन भाई इन सब में एक चीज जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं वो ये कि वहां पे प्यार दिखता ज्यादा है होता कम है, और यहाँ पे होता ज्यादा है दिखता कम है। और मैंने पहले भी कहा है कि माँ एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन किसी किताब में लिखी नहीं हो सकती, उसे हर शख्स अपने तरीके से 2-3 किताबें पढ़ सकता है, और इस दुनिया में पिता ही वो ऐसा इंसान है जिसे अपने हारने पे सबसे ज्यादा खुशी होती। पता नहीं इस वीडियो
को देखने के बाद आप क्या फील करते होंगे। मैंने वही फील किया है जो मैंने जीवन में देखा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके जीवन में ऐसी बातें होती हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।